लेकिन जिंदगी में जो स्ट्रगल है वो मैं भाई अब्बा तो थे शायर थे राइटर थे इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल सो वो तो आपकी ब्लड में थी ना चीज मगर क्या आपको था एक ड्रीम कि मुझे मशहूर होना है एक्चुअली इतना बड़ा विजन था ही नहीं बचपन में पता ही बस ये था कि गाना गाते थे हम तो गाना गाना है और गाने का शौक था बस गाना समझते थे कि ये कुछ मैं तो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं सिंगर बन जाऊंगी मतलब मैंने सोच लिया मैं तो बन जाऊंगी ना कभी एयरोस्टेस बनने का सोचा था ना डॉक्टर बनने का सोचा था और मैं पढ़ाई भी मामूली सी समझ भी है कि पढ़ाई क्या होती है तो बचपन में बस कोई बच्चों का प्रोग्राम आ रहा था मम्मी से कहा कि मुझे इसमें जाना है तो वो ले गई मुझे मैं भी छोटी थी ऐसे 9-1 साल की थी और जाके उन्होंने मुझे बच्चों के प्रोग्राम में बिठा दिया और उनको मैंने गाना सुनाया उन्होंने फट से मुझे रख लिया और मैं बड़े प्रोमिनेंट बच्चों में आ गई 4-5 में क्योंकि गाना उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से तो आता था फिर 2-1 साल में काफ़ी चाइल्ड स्टार सी रही कुछ मैंने जब आप चाइल्ड स्टार बनी तो वो जो टीचर्स थी आपकी जो आपको पढ़ाती थी उन्होंने कभी हुआ कि थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास कर नहीं बल्कि आपको बड़े अफसोस की बात यह है कि कभी कभी ना हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों को खामखा टीज कर देते हैं मसलन मेरे से कोई गलती मुझे मैथ्स नहीं आता था इतना अच्छा तो जो मैथ्स की टीचर थी वो कहती थी अच्छा टीवी पे तो बड़े गाने गाती हो बड़ी फूलों की शहजादी बनती हो है वहाँ तो यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग यू नो एवरीथिंग अबाउट द म्यूजिक यू नो एवरीथिंग अबाउट द स्टारडम अब एक बच्चे को अगर मैथ्स नहीं आ रहा आप उसको इस तरह मत करें कुछ और उसके बाद मतलब लगता था मुझे कि जैसे कि ये मुझे ताना सा मार रहे हैं तो ताना ही ताना देखिए टीचर्स का जो जिसको पेडागॉजी कहते हैं वो सिर्फ तालीम नहीं होती ना वो आपकी मेंटरिंग होती है वो आपको मतलब एक शख्सियत बनाने के लिए एक कोशिश की जाती है हमारे यहाँ सिवाय यानी डिस्करेज करना जी हाँ मजाक उड़ाना क्योंकि हमारी अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है ना वो बहुत कम है यानी एज असातिज़ा या जैसे ही हम शहरियों के बतौर भी हमें अपनी यानी सेल्फ अप्रिसिएशन नहीं है हम अपने आप दूसरे को नहीं कर सकते आप जब नहीं, तक असातिज़ा को हो सकता है मैथ्स आता होगा या अंग्रेजी आती होगी या साइंस आती होगी बट बच्चे को किस तरह आपने एजुकेट करना है अदरवाइज टू डील विद एवरीथिंग एक सोशल स्किल डेवलप करनी है या मॉरल तो बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि तुम्हें मैथ्स नहीं आता तुम्हें गाने का बड़ा शौक है और तुम्हें फलाने टीवी में जाने का बड़ा शौक है तो उलट होता था उलट होता था मतलब अगर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आजकल की मैं देखती हूँ कुछ चाइल्ड स्टार आते हैं तो वो इंटरव्यू देते कहते हैं हाँ लेकिन हम पढ़ाई में भी अच्छे मगर हमारी टीचर हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया हाँ वो अब जरा चेंज हो गया ना अब सब कुछ